खबर इस बीच आ रही है शिवराज कैबिनेट का एक बड़ा फैसला, संविदा कर्मचारियों के महापंचायत में की गई घोषणाओं की कैबिनेट ने मंजूरी कर दी है। दरअसल 4% डीए और जनवरी से जून 2023 तक 6 महीने का एरियर दिया जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लाडली बहना योजना में 21 वर्ष की विवाहित महिलाओं के साथ ट्रैक्टर धारक परिवार वाली महिलाओं को भी योजना का लाभ दिए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 10 सितंबर के किश्त में लाभ मिलेगा और सलकनपुर नील कछार चार लेन इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक 4 लेन मैहर तीर्थ स्थान सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों के लिए 1842 करोड़ रुपए की सड़कों और फ्लाईओवर्स की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने निवाड़ी जिले में 19 पदों की स्वीकृति, उप संचालक कृषि और आत्मा परियोजना के पद शामिल हैं। अनुराग हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुराग, बड़े फैसले, ताबड़तोड़ फैसले राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट की बैठक में। देखिए, शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में हम नजर डालें तो कई बड़े फैसले लिए गए। कर्मचारियों से जुड़े फैसलों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 4% डीए देने का ऐलान किया है और कैबिनेट में आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यानी कि जनवरी 2023 से लेकर अब तक जो है कर्मचारियों को 4% डीए का लाभ मिलेगा। यानी कि 6 महीने का एरियर जो है राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को दिया जाएगा। ये एक बड़ी सौगात कर्मचारियों के लिए शिवराज कैबिनेट की कही जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें उनको नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते देने का ऐलान किया गया था। उस पर भी कैबिनेट की आज मोहर लगाई गई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना अब 23 साल से उम्र घटाकर 21 साल सरकार करने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने तय कर दिया है कि ऐसी महिलाओं के खाते में भी 10 सितंबर। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे अपडेट आपसे लेंगे इन बैठकों के बाद। अब आगे की स्थिति क्या आगामी सत्र को लेकर और विपक्षी नेताओं के